शांति। 21 मई 2021 की मुरली से शिववाणी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। उत्तर, निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलूक का शिकार। हम मलूक यानी फरिश्ते बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत, ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। नंबर दो, ग्रस्त व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। यही है डबल कोर्स, यानी ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा। वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना आपके हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए, शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। स्लोगन, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गवाना, अर्थात एक वर्ष गवाना। और अंत में मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।